यूसीसी पास हुआ तो सारे विधायकों के घरों को आग लगा देंगे। इतनी बड़ी धमकी आखिर कौन दे रहा है? संगठन की तरफ से कहा गया, अगर केंद्र सरकार के दबाव में आकर यूसीसी पास होता है तो हम सभी एमएलए के सरकारी आवास जला देंगे। नागालैंड में गठित एक नए संगठन ने धमकी दी है कि अगर राज्य विधानसभा केंद्र के दबाव में आगे झुकती है और समान नागरिक संहिता के समर्थन में विधेयक पारित करती है तो सभी 60 विधायकों के आधिकारिक आवास को आग लगा देंगे। नागालैंड ट्रांसपेरेंसी पब्लिक राइट्स एडवोकेसी एंड डायरेक्ट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि यूसीसी को लागू किया जाता है तो राज्य को दिए गए विशेष संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और नागा लोगों के अद्वितीय रीति रिवाजों और परंपराओं को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। संगठन ने एक बयान में कहा है कि अगर समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिल गई तो उसके सदस्य नागालैंड के विधायकों के आधिकारिक आवासों में आग लगाने की हद तक जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। इस संदर्भ में संगठन ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को थोपने की भाजपा नेतृत्व की कोशिशों के खिलाफ 2022 में हुए विरोध की याद दिलाई। आदिवासी बहुल नागालैंड की राइजिंग पीपुल्स पार्टी ने भी समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। इस पार्टी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक राष्ट्र एक धर्म एक भाषा को पूरे देश में लागू करने की कोशिश की दिशा में उठाया गया कदम है। मेघालय में मात्र सत्तानत्म खासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली हाइनिव ट्रेट यूथ काउंसिल ने कहा है कि वे यूसीसी को लागू करने का विरोध करती है और अपने विरोध से भारत के विधि आयोग को अलग कराएगी। परिषद के अध्यक्ष रॉबर्ट जुन खारजाहीन ने कहा है कि यूसीसी स्थानीय रीति रिवाज कानून को और यहां तक कि संविधान की छठी अनुसूची के लिए के ही खिलाफ है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिविल सोसाइटी महिला संगठन की अध्यक्ष एनमेन खारविन ने शिलोंग में कहा कि संविधान भारत के लोगों के लिए है, ना कि कुछ राजनीतिक शक्तियों को खुश करने के लिए। अगर उन्हें यूसीसी लागू करना है तो पहले देश के हर नागरिक को विश्वास में लेना होगा। यूसीसी का सबसे अधिक विरोध मेघालय मिजोरम और नागालैंड में होता रहा है, जहां 2021 की जनगणना के अनुसार ईसाइयों की संख्या क्रमशः 74.59, 86.97 और 87.93 है। करीब सभी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। पूर्वोत्तर के राज्य दुनिया के सबसे अधिक संस्कृति विविधता वाले क्षेत्रों में से एक हैं। ये करीब 220 से अधिक तरह के भिन्न भिन्न जनजातीय समुदाय रहते हैं। उन लोगों को डर लग सता रहा है कि समान नागरिक संहिता संविधान द्वारा संरक्षित उनके पारंपरिक कानून अधिकारों को प्रभावित करेगा। तो देखिए, लगातार विरोध, तमाम लोग उतर आए हैं सड़कों पर, जिस तरह की धमकियां ये दी जा रही हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है, जो एमएलएस के घरों को आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, इन खबरों को मीडिया से क्यों गायब कर दिया गया है? गोदी मीडिया इस पर बात क्यों नहीं करती? सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रही है? शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।